जब देश में आधुनिक सड़कें, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज का उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने ये बातें कही। देश के विकास के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि पिछले 8-9 साल में इस ओर तेजी से काम हो रहा है और इसी वजह से ही हाल ही में यूपी में हुए ग्लोबल समिट में कई विदेशी कंपनियां निवेश करने के लिए इंडिया आई। भारत में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे से लेकर एक ग्राम सड़क को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कार्य कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले साल यानी वर्ष 2024 के अंत तक देश का सड़क बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हम हिंदुस्तान के हाईवे को अमेरिका के बराबर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इंडस्ट्री आएगी और उसके साथ साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होगी, जिससे देश में रोजगार सृजित होंगे और देश में गरीबी दूर होगी। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सड़कों और राजमार्गों को लेकर केंद्र सरकार के रोडमैप को सामने रखा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,37,000 से अधिक है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही भारत तेज गति से अपने हाईवे बनाने के रिकॉर्ड को लगातार सुधार रहा है। 2009 से 2014 के बीच भारत ने हर साल औसतन 4,918 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। इस दौरान भारत ने 13 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से ये निर्माण किया। वहीं 2014 से 2021 के बीच भारत ने औसतन हर साल 8,993 किलोमीटर हाईवे बनाया। वहीं आने वाले समय में भारत की सड़कों पर तेज रफ्तार देने का काम जारी रहेगा। आज हमारे देश में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या लगभग 50 लाख तक पहुंच चुकी है। ऐसे में हिंदुस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इसीलिए केंद्र सरकार इस टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है कि 2024 समाप्त होने से पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसए स्टैंडर्ड का होगा। इतना ही नहीं, भारत में बनने वाले एक्सप्रेसवे केवल सफर को सुगम ही नहीं बनाएंगे बल्कि आपात स्थिति में इस पर फाइटर प्लेन भी उतारे जा सकेंगे। सपनों की सड़क को रोड रनवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार 26 ऐसी सड़कें बनाने पर जोर दे रही है जहां प्लेन लैंड होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग माल और यात्रियों की सहज आवाजाही और बाजार तक पहुंच में सुधार करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे देश में सड़कों का नेटवर्क लगभग 63 लाख किलोमीटर है, जो दुनिया में सबसे विशाल है। वर्ष 2014-15 और 2021-22 के बीच नेशनल हाईवे के निर्माण की गति लगातार बढ़ी है, जिसका कारण कॉरिडोर आधारित नेशनल हाईवे के विकास के जरिए निरंतर जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2014 और 2015 में नेशनल हाईवे निर्माण की गति लगभग 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, जो 2021 और 2022 में बढ़कर लगभग 29 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और बेंगलुरु हैदराबाद एक्सप्रेसवे के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना बिछाने का काम जारी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में वृक्षारोपण, उनके प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव पर भी जोर दिया जा रहा है और इसलिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देश भर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से ही अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है और भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए भारतमाला परियोजना महत्वपूर्ण है। बता दें कि 2019 में पीएम मोदी ने 2024 से 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की कल्पना की थी। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।